उधर देश भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले 24,000 कम है। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक एक दिन में 3,417 लोगों की मौत हो गई है। मौत का यह आंकड़ा भी कल के मुकाबले थोड़ा कम है। कोरोना से जारी लड़ाई में एक अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 3,00,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। तो थोड़े आंकड़े जरूर कम हुए हैं। हम दिल्ली रुक कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना से अगर निपटना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और आज तो तीसरे चरण के तहत दिल्ली में शुरुआत भी कर दी गई है। आनंद जरा बताइए कि अभी तक कितने लोगों को, जितने भी लोगों को अगर किया गया है वैक्सीनेट, क्या कुछ दिक्कतें भी आई हैं? क्योंकि आज तो पहला दिन है, सिंबॉलिक तरीके से शुरुआत जरूर हो गई थी, लेकिन आज पूरी प्रक्रिया के साथ शुरुआत हो रही है। जी देखिए बिल्कुल गायत्री, आज पहला दिन था और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। अलग अलग सेंटर्स पर स्कूलों में 70 से ज़्यादा स्कूल जो हैं उन्हें सेंटर बनाया गया था। वहाँ पर भी जो 18 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, जिनका अपॉइंटमेंट था या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं। किसी को, अधिकतर लोगों को कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो वहाँ पर लगाई गई है। कोवैक्सीन भी कुछ सेंटर्स पर लगाई गई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अधिकतर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो आज 18 साल से ऊपर के लोगों को लगी है दिल्ली में अलग अलग सेंटर्स पर। और ये जो अभियान है ये लगातार आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें अब ये कह चुकी हैं कि युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसे चलाना है और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भीड़ भाड़ ना फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। क्योंकि एक उपाय मास्क है और दूसरा अब बताया जा रहा है, एक कोरोना से जंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी है तो वो है वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाएं। लोगों को कुछ दिक्कतें जरूर आ रही है वैक्सीन लगाने के बाद, जिन्होंने 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों ने वैक्सीन लगाई थी उन्हें कोविड भी हुआ, उसमें कई पुलिसकर्मी दूसरे लोग भी देखे गए, लेकिन जान का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार ये दावा करती आई है और तमाम सरकारें दावा करती आई कि जिन्होंने वैक्सीन के डोज लगाए हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं छू पाएगा। तो एक डर कम से कम लोगों के अंदर से निकला है कि वैक्सीन लगाना सुरक्षित नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है और उसको लेके लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी दिल्ली में अब ले रहे हैं। आज पहला दिन था क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अब ये बड़ा हथियार है और इसीलिए सभी को आगे आकर वैक्सीनेट होना पड़ेगा। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर, लेकिन कर्नाटक से बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक में चामराजनगर के कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किल आई और इसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चामराजनगर के डीएम ने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन ने भी दलील दी कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से फोन पर बातचीत की है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच भारत में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत को तत्काल मदद देने का भरोसा दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मदद के लिए ईयू की तारीफ की। दोनों नेताओं के बीच 8 मई को होने वाले भारत ईयू लीडर सम्मेलन पर भी बातचीत हुई है। और इस बीच यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत की है और कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। हमने 8 मई को होने वाली भारत और ईयू के नेताओं की बैठक के बारे में भी चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से हमारी रणनीतिक साझेदारी को एक नई रफ्तार मिलेगी। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत का जिक्र किया, ट्वीट कर जानकारी दी और उनकी तरफ से भरोसा भी दिया गया है कि पूरी मदद होगी, लेकिन इस पूरी बातचीत को, इस भरोसे को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, यूरोपियन कमीशन के कई ऐसे देश हैं जिनकी तरफ से मदद आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब फोन पर बातचीत की यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से, तो उन्हें क्विक सपोर्ट यानी तत्काल मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जिस
तरह से भारत इस वक्त कोरोना के दूसरी लहर की मार में है, उससे लगातार लड़ रहा है। और इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के देशों में, यूरोपियन यूनियन में जो स्थिति है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। क्योंकि आपको याद होगा गायत्री कि अभी हाल के दिनों में जिन देशों से भारत के लिए वेंटिलेटर्स, इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन आए हैं, उसमें कई ऐसे देश हैं जो ईयू के सदस्य देश भी हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे तो बतौर देश मदद की ही है, इसके अलावा बतौर ईयू के सदस्य के तौर पे भी उन्होंने भारत की मदद की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू की अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है और 8 मई को जो वर्चुअल बैठक होने वाली है, लीडर सम्मेलन, उस पर भी चर्चा की है कि कैसे भारत और ईयू के रिश्ते आने वाले वक्त में आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया नीरज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी। कोरोना के खतरे के बीच बताया जा रहा है कि अब आईपीएल पर भी एक खतरा देखने को मिल रहा है। 2 आईपीएल टीमों के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमदाबाद में होने वाले आज के आईपीएल मैच को टाल दिया गया है। आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होना था। रवि दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, यानी अब आईपीएल पर भी कोरोना का खतरा। गायत्री, ये चेन्नई सुपर किंग्स के 3 स्टाफ मेंबर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं काशी विश्वनाथन, बॉलिंग कोच हैं एल लक्ष्मीपत बालाजी जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, और इसी टीम के बस क्लीनर, ये 3 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोई भी खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स का कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, लेकिन जो स्टाफ के 3 लोग, काशी विश्वनाथन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस क्लीनर, ये 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। या चेन्नई की टीम जो है इस वक्त दिल्ली में है, में वो मैच खेल रही है और रविवार को उनका एक सडन टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट आ जाई है और उसके मुताबिक खिलाड़ी एक भी नहीं लेकिन टीम के 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गायत्री, रवि, लेकिन अब जो आज होने वाला मैच था इस वजह से अब टाल दिया गया है। अहमदाबाद में जो मैच होना था उसको लेकर बताया गया है कि कब होगा वो मुकाबला, उसकी जानकारी आईपीएल की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये आपकी बात सच है, अहमदाबाद में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला होने वाला था, केकेआर और आरसीबी का, जिसमें 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जिसको पोस्टपोन किया गया है। वरुण चक्रवर्ती हैं स्पिन बॉलर हैं और संदीप वॉरियर हैं जो फास्ट बॉलर हैं, इन दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ये मैच जो है पोस्टपोन किया गया है। पैट कमिंस जो बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। तो इन खिलाड़ियों की वजह से आज का जो मैच है उसे पोस्टपोन किया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब आईपीएल बबल में कोई खिलाड़ी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हो। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल आ चुके हैं, कोलकाता के ही नीतीश राणा और वानखेड़े स्टेडियम के कुछ ग्राउंड स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। शुक्रिया रवि। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसमें दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उनके पास मरीजों के लिए 5000 बेड तो हैं लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सभी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुविधा दिलाई जाए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में सेना की मदद की मांग की है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। यानी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश करें, बस ऑक्सीजन नहीं है, पर आनंद, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो अस्पतालों को लेकर भी खत लिखा है रक्षा मंत्री को। जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से हाईकोर्ट ने पूरे कोविड को लेकर अपनी दखल दी है और खुद सो मोटो लेते हुए कई चीजें जो है वो करने के निर्देश भी जो है वो दिल्ली सरकार को दिए थे और कुछ मामलों में फटकार भी लगाई थी, और अब उस पर जवाब जो है वो दिल्ली सरकार ने अपना दिया है। अपनी जरूरतें बताई हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत हमें है कोविड से लड़ने के लिए, और उसमें ये तक बताया है कि बेड तो काफी हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन लगातार गायत्री, अगर हम देखें पिछले 10-12 दिनों से केंद्र सरकार लगातार ये दावा करते आ रही है कि दिल्ली को हम हर संभव ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कुछ मौके पर ये कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जो दूसरे नेता हैं वो ट्वीट के जरिए या मीडिया के जरिए लगातार ये कहते आए हैं
कि दिल्ली को जितनी क्षमता ऑक्सीजन की चाहिए है उससे अभी ऑक्सीजन उतनी क्षमता की नहीं मिल रही है। यही वजह है कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसे जैसे तैसे पूरा किया जा रहा है। कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अस्पताल में जो कोविड मरीज हैं उनकी मौत भी हुई थी और जिस तरह से कल भी दो दिन पहले भी देखा गया था कि बत्रा अस्पताल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जब उनके सीधे तौर पर जो उनके प्रमुख थे उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि ऑक्सीजन नहीं थी और उसके चलते हमारे यहाँ के कुछ मरीज जो हैं जिनकी मौत हुई है। ठीक है, आनंद लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि दिल्ली पुलिस ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल में काम करने वाले दीपक और यशवंत नाम के दो कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोप यह है कि दोनों कर्मचारी मरीज के कोटे का इंजेक्शन बाहर 40,000 से 50,000 रुपए में बेच रहे थे। इन दोनों के पास से पुलिस को कई रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। आनंद, यानी कालाबाजारी नहीं रुक रही है। अब देखिए एक और मामला सामने आ गया, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, वो भी मरीज के कोटे से 40,000 से 50,000 रुपए में बेच रहे थे बाहर। जी देखिए, बिल्कुल वेस्ट दिल्ली के अस्पताल स्टाफ ने दो स्टाफ नर्स जो पुरुष हैं उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम दीपक है, एक का नाम यशवंत है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये आईसीयू में तैनात थे जहां पर कोविड मरीजों का इलाज हो रहा था और इन्हें जिम्मेदारी ये दी गई कि कोविड मरीजों के कोटे में जो इंजेक्शन आते हैं वो इंजेक्शन अगर मरीजों को लग गए हैं या किसी मरीज की अगर दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है तो उसके कोटे का इंजेक्शन जो है वो उसके फैमिली को दिया जाए और बाकायदा उसकी जो डिटेल है एंट्री वो की जाए। लेकिन ये दोनों लोग जो लोगों की कोविड से मौत हो जाती थी और उनके हिस्से के जो इंजेक्शन होते थे, 7 डोज या 5 डोज का जो इंजेक्शन होता था उसमें जो इंजेक्शन बसते थे उसे ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सअप कॉल के जरिए अपने कुछ दूसरे ग्राहकों को 30 से 40 या 40 से 50 हज़ार में बेच देते थे। अभी उनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और जो खाली जो इंजेक्शन के जो पार्ट होते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो लगातार ये एक बड़ा ही हैरत करने वाला मामला है कि जिन लोगों को मरीजों की तीमारदारी का जिम्मा सौंपा गया है अस्पताल के अंदर वो लोग ही कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों की जो मौत है उस पर भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उदाहरण था, गंभीर बात ये भी है कि अगर तीमारदार ऐसा कर रहे हैं तो आशंका इस बात की भी है कि मरीज को जरूरत हो और रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको ना दिया जाए लालच की वजह से और फिर उसको बाहर बेच दिया जा रहा हो। ये पूरा मामला जांच का विषय है क्योंकि बेहद गंभीर मामला है कि तीमारदार ऐसे लोगों को दे रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो बाहर जाकर 40,000 से 50,000 में कालाबाजारी करें उन इंजेक्शंस की। लौटेंगे आपके पास। उधर बता दें कि दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हुई है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विनोद नगर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पहुंचे, वहां तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्नआउट हो रहे हैं, पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है, इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18 प्लस के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सब के लिए सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूंगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो प्लीज जाइए और वैक्सीन लगवाइए। आनंद, डिप्टी सीएम विनोद नगर पहुंचे और सेंटर का जायजा लिया, अच्छी बात है क्योंकि खुद ही जाकर के व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए और उम्मीद है कि दूसरे सेंटर्स पर भी पहुंचे होंगे। आप तो लगातार इन तमाम चीजों को सुबह से देख रहे हैं, आनंद क्या व्यवस्थित लग रहा है? और जो दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था कि हम 3 महीने में दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, आज की रफ्तार को देखकर क्या संदेश, क्या संकेत?
जी देखिए बिल्कुल ये एक अच्छी पहल है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है, जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो खुद अगर सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां पर मौका मुआयना करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिन्हें यह जिम्मा दिया गया है, वो भी पूरी मुस्तैदी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सुचारू करेंगे और जो लोग वहां पर वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार ने एक अपना पूरा खाका तैयार करा है, उनका एक पूरा लक्ष्य है कि जितनी वैक्सीन हमारे पास आई है 3 लाख से ज्यादा, उनको कितने समय में दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करना है। और उसके लिए उन्होंने बोला कि आगे ये सेंटर जो आज हमारे 70 सेंटर है, करीबन उन्हें 300 सेंटर आगे हमारे बनाने का लक्ष्य है। तो जाहिर तौर पर युद्ध स्तर पर दिल्ली सरकार इसके लिए पहल कर रही है, अच्छी पहल है, और उसमें दिल्ली के ही लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। जितने ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेट होंगे, अपनी दोनों डोज जो है वो लगवाएंगे वैक्सीन के, और उसमें आज पहला दिन था, अच्छा खासा जो रिस्पांस है वो दिल्ली में अलग अलग जगह देखने को मिला है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा कार्यक्रम जो है वैक्सीन का लगाने का, ये दिल्ली में आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक है, आनंद लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच दिल्ली में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए 77 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इनको बढ़ाया जाएगा, कोशिश है कि 10 सेंटर्स बनाए जाएं हर स्कूल में जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर अशोकनगर की और दूसरी तस्वीर है विनोद नगर की, जहां खुद मनीष सिसोदिया पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। दोनों जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की भी मांग उठाई। तो ये जायजा लेते हुए विनोद नगर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से मांग की गई है, चिट्ठी लिखी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और उन्होंने कहा है कि सेना की मदद दी जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन के टैंकर्स की भी मांग रखी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि डीआरडीओ की मदद से कई और अस्पतालों की जरूरत है दिल्ली को। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, अजीत सिंह की खबर है कि यूपी में लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि यूपी में लॉकडाउन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब यूपी में 5 दिन लॉकडाउन रहेगा, उत्तर प्रदेश में 6 मई तक के लिए सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो अब 5 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि संख्या दिनों की बढ़ा दी गई है, 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। पहले रविवार लॉकडाउन से शुरुआत, उसके बाद शनिवार और रविवार, फिर सोमवार और मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन, लेकिन अब 2 दिन और बढ़ाकर अब 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही अमेरिका की वैक्सीन मिल सकती है। कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है फाइजर, जो कि अमेरिकी कंपनी है, उसकी तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया है कि भारत में उनकी वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, और इसके लिए वो भारत सरकार से लगातार संपर्क में है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयां भी मुहैया करवा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को बजरंग बहादुर नाम के एक तहसीलदार ने सड़क पर मेंढक चाल चलवाई, देखिए किस तरीके की सजा दी। इस दौरान वहां ढोल नकारे भी बजवाए गए, मेंढक चाल चल रहे लोगों को तहसीलदार पैर से मारते भी दिखाई दिए। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए मुंह काला करने की चेतावनी दे डाली। आज हमने जो कार्रवाई किया है उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घर पर ही नहीं मिलने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। खबर यह मिल रही है कि इसे लेकर डीएम दिशा निर्देश भी जारी कर चुके हैं, जिसके तहत अधिकारी होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घर का औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान जो लोग घर पर नहीं होंगे उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
उधर हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन चिंता की बात है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक लागू रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया, हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया, उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए। 1,00,000 से भी ज़्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हो गए और लगभग 15,000 रोजाना उसमें और जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या फर्स्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस की फूट भी एक बार फिर से उभर कर सामने आती हुई दिख रही है। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता सिर्फ इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि वहां टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी की हार का दुख नहीं है, उल्टा वो टीएमसी की जीत का जश्न मना रहे हैं। बंगाल में मिली हार पर कांग्रेस अब दो धड़ों में बंटती दिख रही है, एक धड़ा बीजेपी की हार की खुशी मना रहा है तो दूसरा धड़ा बंगाल में कांग्रेस के सफाए और घटते जनाधार से दुखी है। ऐसे नेता कांग्रेस को अपनी हार पर मंथन करने की सलाह दे रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेता रागिनी नायक ने इसी मुद्दे पर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, यदि हम मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्म मंथन कैसे करेंगे। कांग्रेस की हार पर दुखी होने वाले कांग्रेस के नेताओं में संजय झा भी शामिल हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए निराश करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अब यूपी और तमिलनाडु की राह पर है। 2016 में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, 44 सीटें और 12.25% वोट शेयर था, इस पर मंथन होना चाहिए। उधर कपिल सिब्बल के बेटे और कांग्रेस के नेता अखिल सिब्बल ने भी इसको लेकर ट्वीट लिखा, ट्वीट करते हुए क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, बिना जवाबदेही के नेतृत्व करना ऐसे ही है जैसे बिना जिम्मेदारी के विशेष अधिकारों का आनंद लिया जाए। मुझे हैरानी है कि कांग्रेस कब तक बीजेपी को हराने के लिए दूसरों का शुक्रिया अदा करती रहेगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, ये क्या स्थिति अब कांग्रेस में बनती हुई दिख रही है? ये तो सच्चाई है कि 2016 में मुख्य विपक्षी पार्टी थी बंगाल में 44 सीटों के साथ, लेकिन इस सब के बीच नीरज हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का जहां एक धड़ा ये कह रहा है कि आत्ममंथन की जरूरत है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा है जो खुशियां मना रहा है, और खुशियां इसलिए मना रहा है क्योंकि टीएमसी ने बीजेपी को बंगाल में मात दे दी। बीजेपी जो बार बार जीत का दम भर रही थी, सरकार बनाने की बात कर रही थी, टीएमसी ने उसको हरा दिया। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, एक धड़ा जो आत्ममंथन करने की सलाह दे रहा है उसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग शामिल हैं, संजय झा, रागिनी नायक ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस किस तरीके से बंगाल में साफ हो गई, कहां 44 सीटें 12.25% वोट शेयर के साथ, और कहां कांग्रेस एक सीट पर आ गई। नीरज के पास चलते हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर वो मौजूद हैं। नीरज, तमाम नेता संजय झा हो, कपिल सिब्बल हो, रागिनी नायक, वो ये कह रहे हैं कि आत्ममंथन कीजिए, लेकिन एक धड़ा तो खुशियां मना रहा है। कांग्रेस आला कमान का क्या रिएक्शन है इस पर? इन तमाम चीजों को गंभीरता से ले रहे, खासकर बंगाल में जो रिजल्ट आया कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे कल पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे पर साफ कहा था कि केरल और असम के जो चुनावी नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए, और बंगाल में जो नतीजा है वो आत्ममंथन करने का है, और ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी आत्ममंथन करेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं
जो पार्टी के अंदर से ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए कपिल सिब्बल की तरफ से अभी तक आधिकारिक कुछ नहीं आया है। अब से थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका ये साफ साफ कहना था कि पहले कोरोना के संकट से जूझे इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, पार्टियां चुनाव हारती हैं जीतती हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जो कि पार्टी के सांसद रह चुके हैं अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बिना नाम लिए हुए हमला किया। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता पार्टी को कैप्चर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि गुटों में पार्टी बनी रहे, बल्कि कांग्रेस को ये जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर दूसरी पार्टियां बीजेपी को हरा सकते हैं जिस तरह से कुछ राज्यों में हराए, चाहे डीएमके की बात करें, इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, इन लोगों ने जैसे हराया है बीजेपी को, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हरा सकती। इसके अलावा आरोप ये भी लगाया गया है संदीप दीक्षित की तरफ से कि पार्टी को एक व्यक्ति के हाथ में न होकर बल्कि एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए आपके पास बहुत वक्त होता है और एआईसीसी और बाकी जो वर्किंग कमेटी है कांग्रेस पार्टी की उसमें यह आरोप लगाया है संदीप दीक्षित ने कि सिर्फ नाम मात्र के नेता है। और संदीप दीक्षित वही नेता है गायत्री, आपको याद होगा कि G23 के जो सदस्य गुलाम नबी आजाद, उसमें जी, भी जी, इन्होंने जी, पत्र लिखने वाले में बिल्कुल बिल्कुल नीरज वही सवाल मेरा, और माफ कीजिए कपिल सिब्बल ने उनके बेटे ने ये ट्वीट कर जवाब ये सवाल उठाया, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बिना जवाबदेही के नेतृत्व करना ऐसे ही है जैसे बिना जिम्मेदारी के विशेष अधिकारों का आनंद लिया जाए। ये वही जो गुलाम नबी आजाद के ग्रुप वाले लोग थे उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरीके की मांग उठी थी, क्या एक बार फिर से ये मांग उठती हुई दिख रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने तो पहले ही बंगाल में घुटने टेक दिए थे, जब बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी तमाम जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, बंगाल क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि ऐन मौके पर पहुंचे थे वो, लेकिन क्या पहले ही हार स्वीकार कर ली थी कांग्रेस ने? गायत्री बिल्कुल बंगाल के मामले में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार 14 अप्रैल को पहुंचे, वहां उन्होंने दो सभाओं को संबोधित किया और उससे पहले आपको याद होगा कि तमिलनाडु केरल में वो चुनावी सभा कर चुके थे, पुदुचेरी का भी चुनाव संपन्न हो चुका था, तो पहली बार 14 तारीख को पहुंचे, वहां एक दिन के लिए चुनावी सभाएं की उन्होंने और उसके बाद कोरोना की वजह से बंगाल में नहीं पहुंचे। और 14 तारीख के बाद ये मालदा मुर्शिदाबाद दिनाजपुर ये जो तीन इलाके हैं जहां कांग्रेस पार्टी की मजबूती थी वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपना खाता नहीं खोला और ये कहीं ना कहीं पूरा वोट जो है टीएमसी को शिफ्ट कर गया। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक गंभीर पार्टी के तौर पे बंगाल में नहीं दिखी और पूरा जो गठबंधन था वो भी गंभीर तौर पे नहीं दिखा तमाम मतदाताओं को, और यही वजह है कि जीरो पे गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। लेकिन एक तरह से टीएमसी को ही सपोर्ट कर दिया, खुद नहीं लड़े, खुद घुटने टेक दिया और टीएमसी को सपोर्ट कर दिया और टीएमसी को जिता दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल हिंसा पर भड़के हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़। हिंसा पर राज्यपाल ने ट्वीट किया है, बंगाल में जिस तरह की तस्वीरें कल से लगातार सामने आ रही है उसके बाद सीएम से एक्शन लेने के लिए कहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल हिंसा पर भड़के हैं जगदीप धनखड़, राज्यपाल हैं बंगाल के, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है हिंसा भरी खबरों को लेकर। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन ले। आशिका सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गई, आशिका लगातार चुनाव से पहले भी जो हिंसा हुई उसको लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते रहे जगदीप धनखड़, लेकिन आप एक बार फिर सीएम से कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, वो भी तब जब पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं बार बार कहता रहा हूं कार्रवाई के लिए, वो करती नहीं है, इस बार कितनी उम्मीद? देखिए जो हिंसा की तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं, कहीं से ये खबर तो नहीं आई है कि एक्शन लिया गया हो। बहरहाल इसके बीच हिंसा को लेकर पहले भी जगदीप धनखड़ जो है वो राज्य सरकार को आंखें दिखा चुके हैं और आज भी ट्वीट करके ये मांग की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अधिकारी जो राज्य सरकार के वरिष्ठ हैं वो इसको लेकर के एक्शन लें, कदम उठाएं। और इस बीच हिंसा की खबरें लगातार कल से जैसे ही रिझान आना शुरू हुए थे तभी से आ रही हैं गायत्री। आशिका आज तो मिलेंगे भी वो 7 बजे, हो सकता है क्या उस वक्त भी उनकी तरफ से इसको लेकर चर्चा हो? बिल्कुल, आज 7 बजे जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां जाने वाली हैं मिलने के लिए, खुद तो इस विषय पर जरूर चर्चा होगी राज्यपाल शुरू से ही राजनीतिक हिंसा को लेकर। लेकिन उम्मीद है कि अब कम से कम मुख्यमंत्री समझें और इन पूरी घटनाओं को गंभीरता से लें और इन पर कार्रवाई हो। हम लौटेंगे आशिका आपके पास, लेकिन इस बीच ये भी अपने दर्शकों को बताते चले कि जगह जगह से लगातार हिंसा की कल से खबरें आ रही हैं। उधर बंगाल में जारी हिंसा और बवाल के दौर के बीच शिवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। आरोप यह है कि वहां लूटपाट भी की गई, आग लगाने की कोशिश भी हुई है।
बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगा दिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में कई जगह पर हमले की खबरें सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी की हल्दिया में उनके काफिले पर भी हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। और अब यह जानकारी कि देखिए नंदीग्राम में जो बीजेपी का दफ्तर है, क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, कल जब हल्दिया में वो सर्टिफिकेट लेने गए थे उनके काफिले पर हमला हुआ, पथराव किया गया था। और अब नंदीग्राम में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर भी जमकर तोड़फोड़, और जानकारी ये भी कि लूटपाट को भी अंजाम दिया गया। आरोप टीएमसी पर। उधर बंगाल में बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर ली है और साथ ही अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने इस चुनाव में दूसरे सभी दलों को पछाड़ देने को अपनी उपलब्धि बताया और नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा पर उन्होंने चिंता भी जताई। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। शिशिर जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनादेश जो है, जनता का आदेश वो सर्वोपरि है। जनता ने हमें आदेश दिया है कि हम विपक्ष का रोल अदा करें और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा करेगी। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर अब विपक्ष में एक हमारी ही दल बची और कोई नहीं रहा, तो विपक्ष का एक सक्रिय भूमिका हम अदा करेंगे। क्योंकि हमको ये अगले 5 साल बंगाल के जनता के लिए काम करना है और इसमें यदि सरकार का हमें सहयोग भी करना हो, हम करेंगे, हम हर सक्रिय काम करेंगे जिससे बंगाल की जनता का फायदा हो। हिंसा का जो दौर चल रहा है वो नहीं थम रहा है, बहुत तस्वीरें सामने आई है, बीजेपी के पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर पर घुस करके हमला हो रहा है। देखिए, रात भर हमारे पास भी फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। चुनाव परिणाम के दिन